सो गाइज अभी 2-3 दिन पहले ही Redmi का लॉन्च हुआ था, Redmi नोट 11T 5G। और गाइज अभी हाल ही में मोटोरोला ने कल ही लॉन्च कर दिया है अपना एक नया स्मार्टफोन मोटोरोला G51। तो आओ यार देखते हैं दोनों ही स्मार्टफोन में से कौन सा बेस्ट है और आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट हो सकता है। दोनों स्मार्टफोन को कंपेयर करके आपको बताने वाला हूं कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन गाइज बेस्ट हो सकता है। जानने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज एक तरफ हमारे पास Redmi नोट 11T 5G और दूसरी तरफ हमारे पास मोटोरोला G51। दोनों स्मार्टफोन का जो प्राइस है यहाँ पे सेम रखी गई है। दोनों स्मार्टफोन 14,999 रुपए का आता है। तो यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन में कोई भी प्राइस डिफरेंस नहीं है। 14,999 रुपए अगर आप Redmi नोट 11T 5G के लिए देते हैं तो गाइज यहाँ पर आपको 6GB की रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज आपको देखने के लिए मिल जाती है। वहीं पर अगर आप मोटोरोला G51 की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आपको 4GB की रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। दोनों स्मार्टफोन के जब आप अनबॉक्स करेंगे तो Redmi Note 11T में आपको एक फोन कवर देखने के लिए मिल जाएगी और साथ में आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर USB 2 टाइप सी चार्जिंग केबल आपको देखने के लिए मिल जाएगी। वहीं पे अगर आप Motorola G51 को अनबॉक्स करेंगे तो वहां पर आपको एक कवर देखने के लिए मिल जाएगी और साथ में आपको 20 वाट का फास्ट चार्जर देखने के लिए मिल जाएगा। USB 2 टाइप सी चार्जिंग केबल भी आपको साथ में देखने के लिए मिल जाती है। गाइस यहां पे चार्जर यहां पे Redmi Note 11T 5G में ज्यादा अच्छा दिया गया है। बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन के बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो गाइस दोनों ही स्मार्टफोन यहां पे प्लास्टिक बैग के साथ आते हैं। दोनों में ही यहां पे मैट फिनिश आपको दिया जाता है। दोनों में ही डुअल टोन फिनिश बैक साइड में आपको देखने के लिए मिल जाता है। दोनों ही स्मार्टफोन पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक के साथ आते हैं तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों स्मार्टफोन एकदम बेस्ट हैं। डिजाइन एंड लुक्स के बारे में गाइस यहां पे बात करेंगे तो डिजाइन एंड लुक्स अपर मैटर करता है, बट मुझे Redmi Note 11T का डिजाइन आई लाइक इट। पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में गाइस यहां पे हम बात करेंगे तो दोनों स्मार्टफोन में आपको सभी पोर्ट्स एंड बटन्स देखने के लिए मिल जाते हैं। दोनों स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी देखने के लिए मिल जाता है, बट यहां पे Motorola G51 में आपको एक प्लस पॉइंट देखने के लिए मिल जाता है। यहां पर आपको गूगल असिस्टेंट के लिए आपको एक अलग से डेडिकेटेड बटन देखने के लिए मिल जाती है, लेकिन वहीं पर आपको Redmi Note 11T 5G में आपको डुअल स्पीकर्स भी देखने के लिए मिल जाता है और साथ में आपको अपर की साइड में यहाँ पे आयर ब्लास्टर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में तो गाइस आपको Redmi Note 11T 5G में आपको 6.6 इंचेस का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाता है जो कि 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और यहाँ पर आपको इसकी डिस्प्ले में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाती है। वहीं बात करेंगे Motorola G51 के बारे में तो गाइस यहाँ पर आपको 6.8 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाती है जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। डिस्प्ले के मामले में यहाँ पे Motorola G51 का जो डिस्प्ले है यहाँ पे ज्यादा बड़ा है और रिफ्रेश रेट आपको ज्यादा देखने के लिए मिलता है। और वहीं पर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास की अपनी ब्रांडिंग होती है तो यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन तो देखने के लिए मिल रही है, बट यहाँ पे रिफ्रेश रेट आपको कम देखने के लिए मिल रहा है और स्क्रीन भी आपको छोटी देखने के लिए मिल रही है। दोनों स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में गाइस यहाँ पे हम बात करेंगे तो दोनों स्मार्टफोन में 5000mAh की बिग बैटरी आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो बैटरी के मामले में दोनों स्मार्टफोन बिल्कुल सेम है। बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन के स्पेक्स के बारे में तो गाइस दोनों स्मार्टफोन के अलग अलग अपने स्पेक्स हैं। तो गाइस बात करेंगे Redmi Note 11T 5G के बारे में तो गाइस यहां पर आपको जो प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है वो यहां पे आपको मिल जाता है MediaTek Dimensity 810 प्रोसेसर जो कि 6nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है जो कि यहां पे इसका अंतोतु स्कोर लगभग 3.5 लाख के आसपास गाइस यहां पे रहता है और ये एक 5G प्रोसेसर है, 5G को भी सपोर्ट करता है। गाइस वहां पर बात करेंगे Motorola G51 के प्रोसेसर के बारे में तो गाइस यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाता है Snapdragon 480 प्लस प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिल जाता है जो कि 8nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और इसका अंतोतु स्कोर लगभग 3,20,000 के आसपास रहता है। तो यहाँ पे दोनों ही प्रोसेसर की यहाँ पे हम बात करेंगे तो प्रोसेसर के मामले में Redmi Note 11T 5G थोड़ा ज़्यादा आगे निकल जाता है, बट यहाँ पे ये भी बुरा नहीं है, यहाँ पर भी आपका काम चल जाएगा। और लेकिन अगर ओवरऑल बात करेंगे तो यहाँ पे इसका प्रोसेसर आपको ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिलेगा, बैटरी इफिशियंसी भी इस फोन की आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी बिकॉज यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर का साइज है यहाँ पे 6nm का है और यहाँ पे 8nm का है, तो यहाँ पे आपको जो बैटरी की पावर है यहाँ पे लाइफ है आपको ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगी। बात करेंगे OS UI के बारे में दोनों ही स्मार्टफोन में आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको MIUI 12.5 देखने के लिए मिल जाता है, बट यहाँ पे आपको स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा और बल्कि Motorola अपने इसी नाम के लिए जाना जाता है। यहाँ पे आपको कोई भी ब्लॉटवेयर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कुछ भी आपको ऐड वगैरह नहीं देखने के मिलेंगे, पूरा स्टॉक एंड्रॉइड आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन के कैमरास के बारे में तो गाइस यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन में आपको प्राइमरी कैमरा यहाँ पे 50MP का आपको देखने के लिए मिल जाता है और साथ में Motorola G51 में आपको 8MP का वाइड एंगल आपको देखने के मिल जाता है, साथ में आपको 2MP का मैक्रो लेंस आपको देखने के लिए मिल जाता है। बात करेंगे Redmi Note 11T 5G के बारे में तो गाइस यहाँ पे आपको दो ही कैमरा बैक साइड में देखने के लिए मिल जाता है, एक आपको 50MP का मेन कैमरा देखने के लिए मिल जाता है और साथ में आपको 8
मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा आपको देखने के लिए मिल जाता है। गाइस बात करेंगे फ्रंट कैमरे के बारे में, तो गाइस यहाँ पे Redmi Note 11T5G में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी देखने के लिए मिल जाती है और यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पे सेल्फी के मामले में यहाँ पे ये स्मार्टफोन ज्यादा आगे निकल जाता है और बैक के मामले में यहाँ पे ये स्मार्टफोन ज्यादा आगे निकल जाता है। गाइस सेंसर्स की बात करेंगे, दोनों स्मार्टफोन सभी सेंसर्स आते हैं और साथ में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दोनों स्मार्टफोन में आपको देखने के लिए मिल जाता है। गाइस वहीं बात करेंगे कनेक्टिविटी के बारे में, तो गाइस दोनों स्मार्टफोन में आपको 2G 3G 4G वोल्टी का सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है और साथ में आपको 5G का सपोर्ट भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। सो गाइस बात करते हैं आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए, तो गाइस ये बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है कि आपकी मेन जरूरत की चीज़ें किस स्मार्टफोन से ज़्यादा यहाँ पे पूरी हो जा रही हैं तो आपको उसी स्मार्टफोन को परचेज करना चाहिए। दोनों स्मार्टफोन का प्राइस यहाँ पे सेम है। गाइस Redmi Note 11T में यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले है 90Hz का मिलता है, यहाँ पे आपको 120Hz का देखने के लिए मिल जाता है, बट यहाँ पे जो प्रोसेसर है इसका थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है तो आयर ब्लास्टर भी साथ में देखने के लिए मिल जाता है और डिज़ाइन एंड लुक्स के मामले में ये फोन एकदम ऑसम है और सेल्फी आपको इसमें ज़्यादा देखने के लिए मिल जाती है। बट गाइस यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर है वो थोड़ा डाउन है Redmi Note 11T 5G से, बट यहाँ पे जो आपको कैमराज हैं और जो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एंड्रॉयड यहाँ पे पूरा एक्सपीरियंस आपको देखने के लिए मिलता है वो यहाँ पे इसकी बेस्ट चीज़ हो जाती है। तो ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आपको स्मार्टफोन कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं होता तो गाइस यार मैं बिल्कुल यहाँ पे Motorola की तरफ जाता, बिकॉज यहाँ पे आपको कैमराज बैक में एकदम अच्छे देखने के लिए मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा एंड्रॉयड देखने के लिए मिल रहा है, बड़ी स्क्रीन आपको देखने के लिए मिल जाती है, 120Hz का रिफ्रेश रेट के साथ भी आता है। तो यार ये चीज़ें इस स्मार्टफोन को एकदम वैल्यू फॉर मनी बना देती है 15,000 रुपए के अंदर में। तो बट यहाँ पे आपको कैमरा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा Redmi Note 11T 5G में। अगर आप कैमरा कंप्रोमाइज कर सकते हैं तो आप बिल्कुल इसकी तरफ जा सकते हैं। मैं तो कैमरा कंप्रोमाइज नहीं कर सकता बिकॉज यहाँ पे कैमरा एक बहुत मेन जरूरत की चीज है। तो गाइस यार मैंने सारी चीजें बता दी दोनों स्मार्टफोन को कंपेयर करके, आप कौन सा स्मार्टफोन ले रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और गाइस अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइस यार इस वीडियो में इतना था, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।